नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे मणिकर्णिका यानी कि झांसी की रानी की। झांसी की रानी बोले तो प्रियंका गांधी की। यस, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को मणिकर्णिका के नाम से जाना जा रहा है, उनके नाम से पोस्टर जारी हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिन प्रतिदिन सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं का जोश देखने ही लायक है। प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में वापसी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दो पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। पहले पोस्टर में प्रियंका गांधी को मणिकर्णिका यानी कि झांसी की रानी के रूप में दर्शाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पोस्टर में उन्हें गोरखपुर से सांसद बनाने की मांग भी की जा रही है। जनता का रुख कांग्रेस की ओर मोड़ने के लिए पोस्टर में झांसी की रानी की तरह सफेद घोड़े पर सवार प्रियंका गांधी की तारीफ में कई स्लोगन भी लिख दिए गए हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होंगी प्रियंका, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन जरा पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान भी इसको इसमें चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने और दिल्ली में काबिज होने के लिए कांग्रेस सरकार लगातार प्रयासरत है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले प्रियंका गांधी की राजनीति में हुई एंट्री से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी प्रियंका गांधी। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दो पोस्टर जारी किए हैं। पहले पोस्टर में प्रियंका गांधी को मणिकर्णिका यानी झांसी की रानी के रूप में दिखाया गया है, तो वहीं दूसरे पोस्टर में उन्हें गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाने की मांग शीर्ष नेतृत्व से की है। पोस्टर में सफेद घोड़े पर बैठी प्रियंका गांधी को मणिकर्णिका के रूप में राजनीतिक पारी खेलने के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में वापसी रिटर्न 2019 के स्लोगन के साथ कराई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मानना है कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाने से पार्टी को संजीवनी मिल गई है। हालांकि ये दावे कितने सही साबित होंगे ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रियंका का एक क्रेज है। एक दशक से 1999 में राजनीति में उन्होंने कदम रखा था और तब से ही लगातार ये मांग चल रही थी कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, लेकिन वो अभी तक अपने परिवार को बढ़ाने में लगी हुई थी। लेकिन अब उनका परिवार पूरा हो चुका है, एक बच्चा करीब करीब 19 साल का हो गया है और एक 14 साल का हो गया है, तो ऐसे में अब उनके पास पर्याप्त समय है कि वो राजनीति में अपना पूरा समय दे सकती हैं। हालांकि फिलहाल अभी वो अमेरिका में है और जल्द ही वो देश में आएंगी और उसके बाद 4 फरवरी को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और हो सकता है संगम में स्नान करने के करके वो यहाँ पर राजनीति भी शुरू करेंगे। लेकिन सवाल यही उठा है कि क्या टर्निंग पॉइंट साबित होंगी प्रियंका, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, हम जरा पहले आपका तारुफ करा देते हैं उन मेहमानों से। हमारे साथ सदब जाफर जुड़ चुकी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। राम बाबू द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी से, नीरज शर्मा समाजवादी पार्टी से और प्रदीप कपूर जी जुड़ चुके हैं जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, ब्लिट्स जैसे पत्रकार पेपर में उन्होंने काम किया है, रूचि करंजिया जैसे लोगों के साथ में काम किया जिनकी राजनीतिक भविष्यवाणी एकदम सटीक बैठती है, एकदम सटीक बैठती थी, वो इतिहास है उसका, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वो अपना वर्णन देंगे। सबसे पहले हम चलेंगे सदब जाफर जी के पास में। सदब जाफर जी, आप लोगों की जो सबसे पुरानी मांग थी, जो कार्यकर्ताओं की मांग थी, वो पूरी कर दी गई है, प्रियंका की राजनीति में एंट्री हो गई है, क्या वास्तव में टर्निंग पॉइंट साबित होगा आपके लिए ये? ये वाकई बहुत ही उत्साह का विषय है हमारे लिए और मौका है। एक तो एक
हमारे लिए अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, चल रहा है, 3 राज्यों में जीत हुई है और उसके बाद आखिरकार प्रियंका जी ने हामी भरी है कि अब वो हमको जो है वो फ्रंट से लीड करेंगी, तो ये वाकई हमारे लिए बहुत ही उत्साह की चीज है। स्पेशली महिला कार्यकर्ताओं में तो बहुत ही ज्यादा जोश है, युवाओं में बहुत जोश है, क्योंकि हम वाकई चाहते थे कि इस तरह का नेतृत्व हमको मिले, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। चलिए राम बाबू द्विवेदी जी के पास। राम बाबू द्विवेदी जी, आपकी अपनी पहली राय, पहली प्रतिक्रिया। अभी बताया जा रहा था कि प्रियंका जी ने हामी भर दी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस में पूरा का पूरा इतिहास आप देखिए कि चाहे मोतीलाल नेहरू जी हो या इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, उसके बाद राहुल सोनिया गांधी जी हो, उसके बाद कोई संशय नहीं है इसमें, होगा कोई गांधी ही परिवार का। इसके बाद जैसे राहुल जी आ गए, अब राहुल जी के बाद प्रियंका गांधी पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं हम लोगों को रखना चाहिए था। और मैं आपको यहाँ से आश्वस्त करता हूँ कि प्रियंका जी के बाद रेहान आएंगे, ये सत्य है, इसमें किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संशय नहीं हम लोगों को है। कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास परिवारवाद को बढ़ावा है। चलिए ठीक है, बच्चे आगे आएंगे, अभी ऐसे नहीं, सदम जाफर जी ऐसे नहीं, हम पहले नीरज शर्मा जी के पास में जाएंगे। नीरज शर्मा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या मणिकर्णिका यानी कि झांसी की रानी साबित होगी प्रियंका गांधी? ऐसा है प्रदीप जी, जी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और आतंक, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बिल्कुल बर्बाद करके पटक दिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कोई भी अन्य दल हो, हमको भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी सरकार है उसको उत्तर प्रदेश की और देश की जनता को बताने का काम हम सभी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश की स्थिति भी इन्होंने बहुत बिगाड़ दी है। नीरज जी, हमारा सवाल है, आज हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि क्या प्रियंका गांधी यहाँ पर मणिकर्णिका यानी कि झांसी की दाबी साबित होंगी, झांसी की रानी साबित होंगी? नहीं देखो, ऐसा है, इसमें हम कोई भी बात कहना टिप्पणी उचित नहीं समझते। अब ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी की नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की है। अब कांग्रेस पार्टी को कितना वो मजबूत कर सकती हैं तो वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बताएंगी, हम लोग क्या बताएं। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश मुक्त तो भारतीय जनता पार्टी करना। समाजवादी पार्टी और गठबंधन हमारा जो हो चुका है वो सब पे भारी पड़ रहा है और हम उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विहीन भारतीय जनता पार्टी को कर देंगे। प्रियंका जी के ऊपर हम क्या टिप्पणी करें, और अच्छी बात है, हम तो बधाई देते हैं उत्तर प्रदेश की में प्रियंका जी आई, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हम बधाई देते हैं। चलिए बहुत सुंदर, यानी कि आपके सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रदीप कपूर जी के पास में चलते हैं। प्रदीप कपूर जी, आपने तो राजनीति को बहुत करीब से देखा है और हमेशा आपकी करीब भविष्यवाणी हमेशा सच रही है, आपको क्या लगता है कि कितना टर्निंग प्वाइंट साबित होंगी प्रियंका रॉबर्ट गांधी? देखिए, मुझे पहले तो आप ये देखिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है जी। कांग्रेस के 2 मेंबर पार्लियामेंट है उत्तर प्रदेश पे, और 6 उनके MLA हैं और 6% वोट है, और कांग्रेस ने 2019 के चुनाव के लिए अपना आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ट्रम्प कार्ड खेला है, जो प्रियंका गांधी को उन्होंने जिम्मेदारी दी है और चुनाव में उतारा है। अब प्रियंका गांधी की क्षमता उनके करिश्मा पर डिपेंड करेगा कि वो रिलीजन और कास्ट के बैरियर को तोड़कर अपने करिश्मा से कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है कहां से कहां पहुंच जाती हैं। ये संभव भी हो सकता है कि वो कांग्रेस को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सके, इसलिए कि
पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोगों से एक बराबर ये डिमांड रही है कि प्रियंका को लाओ, पोस्टर होते रहे हर चुनाव में, उनके लिए कहा जाता रहा कि रायबरेली और अमेठी से बाहर निकल के बाकी और जिलों में भी पूरे क्षेत्रों में दौरा करें। रही बात मेरे जो 40 साल का जो एक राजनीतिक पत्रकार होने का अनुभव रहा है, उसमें दो घटनाएं मैं उल्लेख करूंगा कि 1999 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था और हम लोग रायबरेली में थे, वहां पर अरुण नेहरू जो है बीजेपी के कैंडिडेट थे जो कि फ्रंट रनर थे, और कांग्रेस के कैंडिडेट जो है नंबर 3 पे थे। प्रियंका गांधी आई, उन्होंने एक मीटिंग करी और उसमें उन्होंने कहा कि साहब आपने उस आदमी को आने ही क्यों दिया जिसने मेरे पिता की पीठ में खंजर घोंपा। उस एक मीटिंग का वो जो टर्निंग पॉइंट हुआ कि जो नंबर 3 पे चल रहे थे कांग्रेस वो नंबर 1 पे आ गई, और वो नंबर वो एक ऐतिहासिक रैली थी। और किसी भी चुनाव में जी एक मीटिंग से जी पूरा पूरा चुनाव बदल जाए जी, ये बहुत से लोगों ने पहली बार देखा। ठीक कर रहे हैं आप। इसका मतलब आपका कहने का प्रदीप कपूर मायावती जी का शासन था जी, प्रदीप कपूर जी दलित का मकान जो है प्रदीप कपूर जी गिरा दिया गया। प्रदीप कपूर जी इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी एक एक मीटिंग से टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है। आप हम क्या ये मान ले कि वो टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये ऐसा होते देखा ये नहीं कह रहा हूं कि वो अभी एक मीटिंग से टर्निंग पॉइंट हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा उनके आने से जी, और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में उछाल आएगा। ठीक है, अब कितना उछाल आएगा ये और क्या उनका करिश्मा जो है वो कास्ट और रिलीजन का बैरियर तोड़ पाएगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। ठीक बात। जरा हम शादाब जफर के पास में चलते हैं। शादाब जफर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया जाता है, और हमारे एक साथी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के द्विवेदी जी कह रहे थे इसके बाद रेहान को हम लोग देख सकते हैं। आपको मैं एक वाकया याद दिला दूं, पिछले चुनाव में जब वो कंपेन कर रही थी और अपने दोनों बच्चों को सुबह 11 बजे से लेकर के शाम तक लगातार फूल मालाएं पहना रही थी, तब हमने उनसे पूछा था शाम के समय कि क्या आपके दोनों बच्चे राजनीति में आएंगे, और प्रियंका जी बिफर गई थी, उन्होंने कहा था आपको देख नहीं रहे आप, एक 9 साल का और एक 14 साल का, और राजनीति में कैसे आएंगे। लेकिन अब तो रेहान 19 साल के होने जा रहे हैं ना, तो क्या राजनीति में आएंगे? वो वंशवाद इसी से बढ़ेगा। एक औरत जिसने अपने शौहर के टुकड़े बटोर के ला रही हो कॉफिन में, और उससे पूछा जाए कि आपके बच्चे क्या राजनीति में आएंगे, ये तो मीडिया की तारीफ है कि एक ऐसी विधवा से इस तरह का सवाल पूछा जा रहा था। सोनिया की और जब जब कांग्रेस को जरूरत पड़ी है, जब जब देश को जरूरत पड़ी है, किसी ने पहले अपनी जान का बलिदान दिया है। सदब जाफर जी, आप पहले बात सुन लीजिए, हमने सोनिया जी का नाम ले लिया, हमने प्रियंका की बात की है। मैंने कहा प्रियंका के दोनों बच्चे वहां पर थे और दिन भर वो राजनीतिक फूल माला पहन रहे थे, तब हमने ये सवाल उनसे पूछा था कि क्या वो राजनीति में आएंगे। सोनिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा, आपकी आवाज क्रैक कर रही थी इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर जी, उनके लिए भी ये अटकलें, वो एक कोई एस्ट्रोनॉमर या ज्योतिष नहीं है। आए या ना आए, आपको मतलब इससे है कि वंशवाद हो रहा है, कि आपको मतलब इससे है कि करप्शन हो रहा है? आपका मुद्दा यह है कि प्रियंका गांधी आज राजनीति में आ रही है कि नहीं? आपका मुद्दा रफाइल नहीं है, आपका मुद्दा किसानों का सुसाइड नहीं है, आपका मुद्दा जो है वो जीएसटी और डिमोनिटाइजेशन में खत्म हुए ये नहीं है? रेहान पॉलिटिक्स में आएगा कि नहीं आएगा? जी तो टर्निंग पॉइंट में बात करिए आप, कांग्रेस की नीतियों में बात करिए, उनको किस तरह से प्रियंका गांधी लोगों के बीच में ले जा सकती है, इस पे बात करिए। रेहान पॉलिटिक्स में आएगा ये कौन सा मुद्दा? सदब जाफर जी, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। सदब जाफर जी, आप ये मुझे नहीं सिखाएंगे कि मैं किस पर बात करूं या किस पर बात नहीं करूं, ठीक है ना? हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम प्रियंका की बात कर रहे हैं तो प्रियंका के पूरे सारे सबके साथ में बात कर रहे हैं। हम प्रियंका की राजनीति 1999 से लेकर के प्रियंका की राजनीति 1999 से लेकर के 2018 तक की बात करेंगे जी। प्रियंका टर्निंग प्वाइंट साबित होंगे ये अलग बात, ये आप बता चुकी हैं, लेकिन दूसरी बातों का भी जवाब आपको देना पड़ेगा। प्रियंका गांधी जब चुनाव में थी 2014 में, तब भी उन्होंने वहां पर प्रचार किया था, लेकिन ज्यादातर विधायकों को जिता नहीं पाई थी। टर्निंग प्वाइंट कैसे साबित होंगी?
भाई एक झूठ की हवा चली थी, जुमलों की हवा चली थी कि मोदी जी आएंगे और सबके दिन बदल जाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। झूठ बार बार नहीं बिकता है जी। एक बार आपने अपने कॉरपोरेट मित्रों के दम पे प्रचार करके बेच लिया, आप हर जगह अपनी हर नीति पे, हर प्रोग्राम पे, हर योजना पे असफल हुए हैं। अब जो है ये मायने नहीं रखता कि प्रियंका जी उनके झूठ को कितना उजागर करती हैं, क्योंकि जनता के बीच में इनके झूठ उजागर हैं। लोगों ने, जब महिलाओं ने अपने हाथ से उज्ज्वला गैस जाके नदी में फेंकी है, तो वो वोट नहीं देंगी बीजेपी को। जिन शिक्षा मित्रों ने अपने सर घुटाए हैं इन्हीं के दरवाजे पे और लाठियां खाई हैं, जिन बच्चों ने लाठियां खाई हैं, वो इनको वोट नहीं देंगे। जिन यूजीसी वालों की ग्रांट खत्म कर दी है वो नहीं देंगे। मनरेगा का जिनका पैसा आज तक रुका हुआ है वो इनको वोट नहीं देंगे। इसमें प्रियंका जी, बस एक इतना जरूरी है कि प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिताने का बहुत बड़ा हाथ इसमें भी है कि बीजेपी अपनी हर योजना पे मुंह के बल फेल हुई है और 2014 की हवा निकल गई है। मोदी जी, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि बनारस से इलेक्शन लड़ेंगे? दम नहीं है लोगों को अपना मुंह दिखाने का? सदर जाफर जी, आप अपनी नेत्री को ही अंडर एस्टिमेट कर रही है। हम जा आ रहा हूँ द्विवेदी जी के पास जाता हूँ। हाँ जी बताइए जी। हाँ हाँ द्विवेदी जी बताइए। हम नेत्री को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, नेत्री को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं, मेरी बात मेरी कांग्रेस का, कांग्रेस का पूरा इतिहास है। राहुल जी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, प्रियंका जी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई है। उनको किसानों के दर्द से मतलब नहीं है। जी हाँ, 60 साल में किसानों के दर्द से वो 10 लाख का कलम लेकर युवाओं के दर्द से कोई मतलब नहीं है। युवाओं का दर्द नहीं समझ सकते हैं, वो महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकते। हमें बताइए कि हम महिलाओं का दर्द क्या समझते हैं? पूरा का पूरा कांग्रेस का इतिहास है, ऊपर से आप उठाइए। इसमें कोई किंचित मात्र भी अंतर नहीं है कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। और अभी बात विकास की हो रही थी, विकास को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी महाराज की सरकार आई है, एक भी आंदोलन बिजली के लिए नहीं हुआ। कहाँ के महाराज है भाई? मैं बताना चाहता हूँ, विकास की बात कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना जी, सवाल सुन लीजिए दोनों सांसद। द्विवेदी जी, सवाल ये है, क्या आपको डर लग रहा है प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी से? क्योंकि प्रियंका वाड्रा गांधी एक ऐसी शख्स हैं जो पलट के जवाब दे सकती है। मैं दो घटनाएं आपको बता सकता हूं। घटना नंबर वन, जब मोदी जी ने पिछली बार चुनाव में कहा था कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा था कि क्या मुझको देखकर क्या आप कह सकते हैं कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है? जवाब लेंगे आपसे, लेकिन जरा पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के पार आएंगे तो जवाब आपसे जरूर मांगेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। द्विवेदी जी के पास में चलेंगे। द्विवेदी जी, क्या जो सवाल मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था वो रिपीट कर देता हूं, क्या आपको डर लग रहा है? क्योंकि जैसे अभी प्रदीप कपूर जी ने 1999 की घटना बताई आपको कि कैसे उन्होंने एक मीटिंग करके अरुण नेहरू और संजय सिंह को पलट दिया था, एक ही मीटिंग में पलट दिया था, और सिर्फ एक सेंटेंस कहा था कि क्या आप उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने हमारे पिताजी के पीठ में खंजर घोंपा है। और दूसरी घटना मैं आपको याद दिला दूं कि प्रियंका गांधी को जब मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, प्रियंका ने जवाब दिया था कि मुझको देखकर बताइए कि क्या कांग्रेस बूढ़ी हो गई है। और बहुत ज्यादा चुनाव पलट जाता है ऐसे एक एक शब्दों से। आपको क्या डर लग रहा है प्रियंका गांधी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर भरोसा करती है और भारतीय जनता पार्टी विकास के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, परिवारवाद के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, परिवारवाद पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अभी 2017 के चुनाव में एक नारा आया था, यूपी को ये 7 पसंद है, यूपी को वो 7 नहीं पसंद आया है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्णतया मान लिया है कि राहुल जी फेल है राजनीति में। अगर राहुल जी नहीं फेल होते तो प्रियंका गांधी जी को लाने का कारण ही कांग्रेस करती। अभी 3 स्टेट जीत के लाए हैं, 1% भी किंचित मात्र भी भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्य जीत के लाए, आपसे छीन के लेके आए, कहां से राहुल फेल हो गए? राहुल जी कहां, तीन राज्य जिता के लाए आपको? देखिए वोट परसेंटेज कितना है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, मतलब राजस्थान आपसे 3 राज्य उन्होंने छीने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। नहीं कहेंगे आपसे 3 राज्य छीने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान।
हाँ कि नहीं बताइए। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी जी। भारतीय जनता पार्टी अगर अगर भारतीय जनता पार्टी से ये सारे दल भयभीत नहीं होते तो ये गठबंधन और महागठबंधन की ओर नहीं जाते। आपकी पार्टी में तो 45 लोगों के हमारे सपा के भी साथी यहाँ पर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए बड़ी हास्यपद ठीक है बड़ी बड़ी हास्यपद प्रदीप भ्रष्टाचार डूबा हुआ है वो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नीरज भाई द्विवेदी जी आपको भी याद रखना चाहिए 45 पार्टियां आपके पास में है महागठबंधन आपका भी है। नीरज जी जरा बता दीजिए इनको। नहीं आपके पास में आऊंगा पहले नीरज जी के पास जाऊंगा। नीरज जी जरा बताइए इनको। ऐसा है प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पागल हो चुकी है बौखला गई है। इधर सब समाजवादी पार्टी हमारे गठबंधनों से बौखला गए इधर प्रियंका जी आ गई उत्तर प्रदेश में देश में तो उससे घबरा गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात मेरे भाई अभी कर रहे थे उत्तर प्रदेश में देश में क्या विकास किया है। मैं 40 योजना अखिलेश यादव जी की गिना सकता हूं ये मुझको 5 योजना उत्तर प्रदेश में गिना दे। विकास हुआ कहां उत्तर प्रदेश में? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है प्रदीप जी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कोई विकास नहीं है। अब सब जुमलेबाजी इनकी चल नहीं सकती देश की जनता इनको पहचान चुकी है अब इसलिए बौखलाए हुए कभी कहते इनका गठबंधन हो रहे हमसे जी। नीरज शर्मा जी 44 पार्टी का चल रहा है इनका आपका जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसमें वो भी कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि प्रियंका गांधी यहाँ पर आकर के झांसी की रानी बनकर के उतरेंगी और आपके गठबंधन को भी तहस नहस कर देंगी जी। आवाज आपकी कट कट के आ रही है मैं प्रश्न नहीं सुन पा रहा हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ क्या आपको आपका गठबंधन को डर नहीं लग रहा है? दोबारा बताया मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आई है मेरी में बता रहा हूँ मैं अपना डिस्टर्बेंस आ रहा है इसमें। ठीक है ब्रेक पर जाता हूं तब तक आपकी तकनीकी व्यवधान दुरुस्त कराने की कोशिश करूंगा और ब्रेक के पास जब आऊंगा तो नीरज शर्मा से सवाल पूछूंगा कि क्या जो गठबंधन हुआ है उनको भी कहीं डर नहीं सता रहा क्योंकि अगर प्रियंका वाड्रा गांधी झांसी की रानी साबित हुई और तो वो गठबंधन को भी तहस नहस कर सकती है। ये याद रखना पड़ेगा गठबंधन को और अगर इनका गठबंधन तहस नहस हुआ और कांग्रेस चढ़ी तो इनका वोट बैंक कहां जाएगा क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक पर ही खड़ी हुई है पार्टियां। वक्त हो चला ब्रेक का ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सीधा नीरज शर्मा जी के पास में चलेंगे। नीरज शर्मा जी आपसे सवाल मेरा यह था कि आपका जो गठबंधन है वो 2.5 दशक बाद यह गठबंधन हुआ है बहुत बड़ी बात है ऐतिहासिक घटना है ये। लेकिन जिस तरह से दूसरी ऐतिहासिक घटना हुई है प्रियंका वाड्रा गांधी मैदान में उतरी हैं और झांसी की रानी बनकर के कहीं आपके गठबंधन को वो तहस नहस तो नहीं कर देंगी आपको भी डर तो नहीं लग रहा है? साहब प्रदीप जी जी समाजवादी पार्टी अपने विकास जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विकास किया उसके सहारे चल रही है और यही बात तो उत्तर भी प्रदेश भी की जनता इस बात को समझ चुकी है जान चुकी है। अखिलेश गठबंधन अखिलेश जैसा नीरज जी यही बात तो बीजेपी के पास कोई है ही नहीं है कुछ। बीजेपी प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? कोई काम ही नहीं किया है। अब जुमलेबाजी चलती नहीं है कोई नया मुद्दा ढूंढ के लाते वो मुद्दा फेल हो जाता है। विपक्ष पूरा एक हो चुका है हर मुद्दे को फेल कर देता है इनकी झूठ को नहीं चलने देगी। विपक्ष बिल्कुल एक हो चुका है इनकी झूठ नहीं चलेगी। रहा दूसरी बात इनके पास बोलने के लिए सिर्फ अभद्रता है। बीजेपी की आपने देखा होगा कल में बीजेपी के नेता ने कितनी अभद्र टिप्पणी की है भारतीय जनता पार्टी में खुदरे कांग्रेस में चिकने ये क्या मतलब है? ये ऐसी कोई नई नई भाषा निकालते हैं कोई नया सुगुपा बना रहे हैं पर इनका चल नहीं पा रहा है इनका चल नहीं पा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विकल्प है। उत्तर प्रदेश की जनता गठबंधन को पसंद कर रही है। अरे कैसे आप ये बता दीजिए कि प्रियंका गांधी अगर झांसी की रानी बनकर उतर गई तो आपकी सेना को तहस नहस कर देंगी ना? कैसे बचाएंगे अपनी सेना को तहस नहस होने से? ऐसा है प्रदीप जी हमारी सेना अब हम आपको बता दें हाँ। इस बात को आप स्पष्ट सुन लीजिए। मैंने उस दिन भी कहा था आज फिर कह रहा हूं दोबारा से उस दिन भी डिबेट में कहा था और आज भी कह रहा हूं हमारी
कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है, हमने दो सीट उनको छोड़ी है और तीन उन्होंने आपके लिए छोड़ दी है। इसका प्रैक्टिकल गोरखपुर में करके देख लिया है भाई, तीन उन्होंने आपके लिए छोड़ दी है। कांग्रेस जी नीरज जी, दो अगर आपने छोड़ी है तो तीन उन्होंने आपके लिए छोड़ दी है। हो जाती, सुन तो लीजिए नीरज जी जी, अगर दो आपने छोड़ी उनके लिए तो तीन उन्होंने आपके लिए छोड़ दी है, बाकी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। सीट की बात नहीं है जी हमारी, उनका ये हमारी प्रतिनिधि हमारी कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। नहीं, एक मिनट सदाब जी आपके बताता हूँ, पहले प्रदीप जी के पास में जाऊंगा। कुछ चीजें हैं जो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। सदाब जी मैं आपके बताऊंगा, सदाब जी मैं आपके बताऊंगा, लेकिन पहले प्रदीप जी के पास में कमेंट के लिए जा रहा हूँ। प्रदीप जी का कमेंट बहुत ही मौजूद होगा। प्रदीप जी आपने 40 साल तक राजनीति देखा है, बड़े करीब से राजनीति को देखा है और आपने उन पेपरों में काम किया जिनकी राजनीतिक भविष्यवाणियां हमेशा सच साबित होती थी। सवाल आपसे ये है कि आपने जो बात कही कि उत्तर प्रदेश में 6 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं, 7.5% वोट बैंक है और इसको 7.5% वोट बैंक को 40-42% वोट बैंक तक ले जाना, क्या ये एक हरकुलियन टास्क साबित होगा प्रियंका के लिए? नहीं प्रदीप जी, सही कह रहे हैं आप कि यह टास्क बहुत टफ है और जाहिर बात है कि संगठन भी उतना मजबूत नहीं है जी। लेकिन अब उनका करिश्मा कितना काम करता है और किस तरीके से भाल लाता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रही बात जो अभी आप पूछ रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से कि जब प्रियंका गांधी कांग्रेस में अगर वोट बैंक बढ़ाती है और इस गठबंधन से कोई समझौता नहीं होता है तो इसका नुकसान जो है बीजेपी को भी होगा। आपको अगर याद हो कि कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो ब्राह्मण, हरिजन और मुस्लिम्स रहा है जी। अगर कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को पाती है तो उसमें जो अपर कास्ट है वो थोड़ा कटेगा बीजेपी से और बाकी जो है कटेगा गठबंधन से। तो बेहतर ये होगा कि अभी भी वक्त है कि दोनों मिलकर आपस में बात कर लें और किसी तरीके से अगर बातचीत हो जाती है तो ये पूरा पूरा प्रयोग जो है बहुत सफल होगा। नहीं नहीं प्रदीप जी, तो नुकसान जो है वो होगा दोनों को। प्रदीप जी एक सवाल सुन लीजिए, दोनों का इंटरनल कनेक्शन है, दोनों ने अंदर खाने बात तय कर रखी है कि हम कैसे आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि सामने से हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन पर्दे के पीछे से राजनीति करेंगे, पर्दे के पीछे हाथ मिला करके चलेंगे। अगर गठबंधन ने 2 सीटें छोड़ी हैं तो कांग्रेस ने इनके लिए 3 सीटें छोड़ दी है, बाकी सीटों पर बहुत अच्छी तरीके से राजनीति करके आपस में गठबंधन मिला करके काम चल रहा है, क्या ये राजनीति सफल हो पाएगी? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी जब सुनिए जी, एक ये जो राहुल गांधी गए थे वहां पर अमेठी में, जिस दिन प्रियंका जी का अनाउंसमेंट हुआ था उन्होंने एक बात कही थी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता दोनों बीजेपी से लड़ रहे हैं और अगर वो बातचीत करना चाहेंगे तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक जो इंडिकेशन राहुल गांधी ने दिया था फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए वो एक इशारा हो सकता है कि भाई अगर अभी तक आप लोगों ने हमसे बात नहीं करी थी, हमको नकार दिया था, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बातचीत हो सकती है जी। ठीक है, तो वो बातचीत, लेकिन बातचीत सामने से नहीं होगी, वो बातचीत पर्दे के पीछे से होगी, यानी कि खेल सारा पर्दे के पीछे से चला जाएगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तो कटे लेकिन गठबंधन का वोट बैंक ना कटे। खैर हम चलते जरा, सदब जी बहुत देर से इंतजार कर रही है अपनी बारी का बोलने का। सदब जी आप, हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही से सवाल है, सवाल एक आपसे ये है कि कैसे आप मोदी जी की आंधी को और ये गठबंधन की आंधी को, तूफान को कैसे रोकेंगी? मोदी की आंधी और गठबंधन का तूफान का सामना प्रियंका वाड्रा गांधी कैसे करेंगी? देखिए ऐसा है कि गठबंधन की जो आंधी की आप बात कर रहे हैं उसको आप इस तरह से देखिए कि ये विपक्ष की आंधी है ना। जिस तरह से भाजपा ने राज किया है 4 साल 8 महीने सेंटर में और यहाँ पर यूपी में, उससे लोग आश्वस्त नहीं है। जो आप कह रहे थे कि आप अपनी नेत्री को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, मैं नेत्री को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ। उनके आने से जो उत्साह है, एक नया
एक्साइटमेंट है लोगों में, एक नई ऊर्जा आई है, उसको तो मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ, वो इतनी ज्यादा है। कभी आप आके देखिए पार्टी कार्यालय में या लोगों में कि कितना उत्साह है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम विपक्ष के तौर पे लड़ रहे हैं, तो बेसिकली हमारा मुद्दा ये है कि साथ आके जितने भी घटक दल है, हम जहां तक हो सके साथ आके इस सरकार को हटा के फेंके जो झूठ पे बनी हुई है। लेकिन तो कैसे करेंगे, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे प्रियंका गांधी वाले, सदर जाफर जी, आप सवाल ये उठता है कि कैसे करेंगे, ये दोनों तो आपके काबू में नहीं आ रहे ना, सपा बसपा तो आपके काबू में नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि आपने वहां पर उनको लिफ्ट नहीं दिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में लिफ्ट नहीं दिया, तो वो आपको क्यों लिफ्ट दें? ऐसा नहीं है जी, पढ़ दी जबरदस्ती मत के पाओ, नहीं आप ये देख लीजिए, आप जबरदस्ती है, नहीं जबरदस्ती नहीं, कैसे आप बताइए ना, आपने उनको लिफ्ट नहीं दिया, जब भी भाई गुजरात में आपने लिफ्ट नहीं दिया, साथी है आपने गुजरात में लिफ्ट नहीं दिया, जब पढ़ के देखिए मेरा जी, आप समझ लीजिए, नहीं आप सुनिए, पहले आपने उनको गुजरात में लिफ्ट नहीं दिया, कर्नाटक में लिफ्ट नहीं दिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में लिफ्ट नहीं दिया, यूपी में आपको क्यों लिफ्ट देंगे वो लोग जी, बताइए। मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, तो ऐसा है कि आप जैसा कह रहे हैं कि लिफ्ट नहीं दिया है, हर पार्टी को, सुनिए, हर पार्टी को अपने लिए अपनी जगह बनाने का हक होता है, उसे भी आंकने का हक होता है कि वो देखे कि वो लोगों के बीच में अपनी बातें कैसे रख पा रही है। बेसिकली हम विपक्ष के तौर पे लड़े हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, और जहां विपक्ष को लगा कि हमें साथ आने की जरूरत, वहां हम साथ आए हैं। सदर जाफर जी, सदर जाफर जी, हम विपक्ष आप सवाल सुन लीजिए, लड़ेंगे सदर, और हम साथ आएंगे। आप सदर, मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल नंबर, सवाल ये है कि जब आप लोग एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे में अगर त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ना, वो बीच से निकलेगी पार्टी। ये ऐसा आपको लग रहा है ना, त्रिकोणीय संघर्ष है ये, बेसिकली बीजेपी बनाम जनता है। चलिए द्विवेदी जी से, बीजेपी द्विवेदी जी आप ही के पास आता हूँ, ठीक है, और विपक्ष जो है वो भाई जी, ठीक है प्रदीप जी, हाँ द्विवेदी जी, मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता को कोई भी संशय नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता को एकमात्र भी कोई भी कहीं कोई संशय नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, और मोदी जी ने जो विकास किया है उसके नाम पर हम वोट मांगेंगे। जितने भी दल हैं, जैसे अभी आपने कहा कि दो सीटें मैंने दे दिया है कांग्रेस को, तो उत्तर प्रदेश में दो सीटें कांग्रेस के लिए गठबंधन ने दिया है, चाहे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी परिवारवादी दल हैं, जितने भी ये जातिवादी दल हैं, ये सभी एकजुट हो गए हैं कि किसी भी तरीके से मोदी को रोको। चाहे अभी जो गठबंधन की बात हुई थी, उसमें भी केजरीवाल जी ने कहा था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करो, हर हाल में मोदी जी को रोको। तो ये सब मोदी जी को रोकने के लिए है, ये विकास की बात नहीं करेंगे, ये विकास की बात नहीं करेंगे, ये युवाओं की बात नहीं करेंगे, ये नौजवानों की बात नहीं करेंगे। देश को मोदी जी पर भरोसा है, मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार बनाएंगे, और जितने भी ये भ्रष्टाचारी दल है, जितने भी ये परिवारवादी दल है, जितने भी ये परिवार को आगे बढ़ाने वाले, चाहे अखिलेश जी हो, आप बताइए, नेताजी के बाद अखिलेश पर किसी को, प्रदेश की जनता में किसी को संशय नहीं था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ठीक उसी प्रकार सोनिया जी के बाद राहुल जी पर किसी को संशय नहीं था। आप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं सवाल खड़ा कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा आप नहीं बता सकते, कोई भी दल नहीं बता सकता है। माया के बाद आकाश जी उत्तराधिकारी होंगे, इसमें आपको संशय नहीं होना चाहिए। ममता के बाद वहाँ भी उनके भतीजे तैयार हो रहे हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे लालू के लड़के हो, चाहे लालू की पत्नी हो, जो भी जितने भ्रष्टाचारी थे, आज सब के सब कांग्रेस की बी टीम बनकर मोदी जी को सिर्फ हराने के लिए
विकास के लिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है हमें परिवारवाद के बारे में बताने वाले जी, ठीक है, एक फेरिस्ट है सदन जी, ठीक है, परिवारवाद आपकी बात हो गई, नीरज जी के पास जाना है। नीरज जी परिवारवाद सदन जी, ठीक है, भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालना इम्पोर्टेंट है। सदन जी ठीक है, आपकी बात हो गई, नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी आपसे भी सीधा सवाल है, ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं चलता है, वहां पर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सवाल ये उठता है कि आप लोगों की जो राजनीति जो है, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी वंशवाद चलता है, इससे कोई शक नहीं है, क्योंकि बिना उसके कांग्रेस पार्टी एकजुट रह नहीं सकती। आपकी समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव जी के बाद में अखिलेश जी, अखिलेश और चाचा जी को बनना था, चाचा जी इसलिए नाराज हो गए, अब अखिलेश के बाद कौन होगा, वो भी परिवार से स्थापित होगा। ये तो क्या दूसरे को कभी मौका मिलेगा, क्या कोई आम आदमी भी बनेगा आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या ऐसा है प्रदीप जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की बात करती है, विपक्ष की बात करती है, वंशवाद वंशवाद, भारतीय जनता पार्टी में कहां वंशवाद नहीं है, जितने केंद्र में मिनिस्टर बैठे हैं उनके कोई लड़का विधायक है, एमपी है, सब सब जनप्रतिनिधि है, वंशवाद बीजेपी में भी है। पर मैं आपको बता दूं, जनता वंशवाद नहीं देखती है, जनता देखती है भूख को जी और भ्रष्टाचार को, मतलब भ्रष्टाचार और भूख के नाम पर वोट लेते हैं, किसान व्यापारी नौजवान ये सब नौजवान ये सभी भारतीय जनता पार्टी में त्रस्त हुए, त्रस्त हुए। मेरे भाई अभी कह रहे थे हम मोदी जी को लेकर हम गरीबी हटाओ का नारा लगाइए, मोदी जी को लेकर हम विकास में जा रहे हैं, मोदी जी ने ये किया है वो किया है। देखो प्रदीप जी, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मैं कहता हूँ सदा भारतता भ्रष्टाचार कैसे चुनाव लड़ ले मोदी जी उत्तर प्रदेश में, कैसे चुनाव लड़ ले, उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी को चुनाव हरा देगी, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। मोदी जी किसी भी लोकसभा को चुन ले उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ की जनता इतनी त्रस्त है इनकी सरकार में, वो ये चाहती है कब चुनाव आए। ठीक है, जरा प्रदीप जी के पास में चलते हैं। प्रदीप जी सवाल आपसे यह है कि सारी पार्टियां ये कर रही हैं कि वो वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कांग्रेस ने कहा कि गरीबी हटाओ और गरीबी हटाने के नाम पर वंशवाद को आगे बढ़ाया, वही काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बेटे बेटियां दामाद सारे लोग हैं। बसपा की बात करें तो भी वही है, समाजवादी पार्टी में भी वंशवाद चल रहा है। क्या लगता है ये सारी राजनीतिक पार्टियां आम आदमी की आंखों में धूल झोंक रही है और गरीबी हटाओ देश बचाओ के नाम पर या दूसरे नारों के नाम पर अपने परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है? प्रदीप जी देखिए, डायनेस्टी पॉलिटिक्स तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज में चल रही है जी, तो उसका तो एक नाम भी नहीं लेना चाहिए। और रही बात चुनाव, दुर्भाग्य यह है कि जनता के उसूलों पर ना होने के साथ ये जात और धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है, बिल्कुल डेवलपमेंट पर ना हो के अल्टीमेटली जो है मंदिर और मस्जिद का मामला आ जाता है जी। तो दुर्भाग्य यह है कि जो बेसिक इश्यूज है उनको पीछे छोड़ के जो इमोशनल इश्यूज है उनको सामने ला के चुनाव लड़ा जाता है और जनता उसमें जो है गुमराह हो जाती है, भटक जाती है और उसके बाद जो है वो दुखी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यानी कि सवाल यही है कि बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और उसकी आड़ में अपना परिवारवाद अपना वंशवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहती है, सारी पार्टियां उसी में शामिल है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपने घर के लोगों को ही आगे बढ़ाती है। क्योंकि चाहे हम बिहार की बात करें, बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद उनके बेटे उनकी पत्नी उनके दूसरे बेटे और उनके बेटों के बेटे ये सब राजनीति में ही आएंगे। और दूसरा जो सवाल ये भी बताते हैं, यही कहते हैं कि अगर राजनीति का बेटा राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा, यानी कि हर प्रकार की दलील इन लोग के पास में है वो अपने आप को बचाने के लिए दिखाने के लिए छुपाने के लिए। जरा फिर से हम वापस आते हैं सदब जाफर जी के पास में। सदब जाफर जी इस बात हम इसकी बात छोड़ देते हैं, सारे दल ये कह रहे हैं कि उनका जनता से गठबंधन है, जनता से गठबंधन है, कैसा जनता? मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि उनका जनता से गठबंधन है। आवाज नहीं है, क्या जवाब दे?
प्रदीप जी इस पे क्या जवाब दूं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। चलिए अभी फिर से एक ब्रेक पर चले जाते हैं और एक बार ब्रेक पर जाने के बाद जब तक हम फिर से कोशिश करेंगे कि हमारा जो तकनीकी व्यवधान है उसको दुरुस्त किया जाए उसके बाद फिर वापस आएंगे, क्योंकि शायद तकनीकी कुछ व्यवधान हो रहा है। लेकिन सवाल अपने आप में वही है कि जैसा प्रदीप कपूर जी ने बताया कि वो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पर वोट मांग लेती है, इमोशनल कार्ड खेलती है, लेकिन अपना राजनीतिक मकसद साबित करती रहती है, अपना राजनीतिक मकसद हासिल करती रहती है, चाहे वो वंशवाद को लेकर के हो, चाहे वो परिवारवाद को लेकर के हो, या पार्टी को बढ़ाने को लेकर के हो, सारी राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ जाती है। अगर कोई पीछे छूट जाता है तो वो छूट जाती है देश की जनता। देश की जनता को वो नई चीजें मिल रही हैं जो अब तक मिलनी चाहिए। वक्त हो चला ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के पार दबाएंगे तो ये चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सीधा सदब जाफर जी के पास में चलेंगे। सदब जी, आपके लिए अच्छी बात यह है कि जैसा मैंने भी कहा कि लगा और प्रदीप कपूर जी भी कह रहे हैं, हम लगातार प्रियंका गांधी को कवर करते रहे हैं और उनको देखा है कि कैसे वो लाखों वोट से, सोनिया गांधी को 5 लाख वोटों से उन्होंने जीत दिलाई थी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था लाभ के पद पर होने के कारण। उसके बाद उन्होंने उनको 4,80,000 वोटों से जीत दिलाई थी। इसमें कोई शक नहीं, वो स्पॉन्टेनियस जवाब देती है, आपके पक्ष में ये बात भी जाती है, क्योंकि वो घटना मुझे याद है, वो घटना भी बता दूं आपको, जब मोदी जी ने कहा था कि प्रियंका हमारी बेटी है और शाम होते होते प्रियंका ने एक सेंटेंस में कहा था कि मेरे पिता सिर्फ राजीव गांधी हैं। उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा था और इसने बहुत धमाल मचाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब सवाल आपसे ये है कि क्या प्रियंका वाड्रा गांधी झांसी की रानी साबित होंगी? देखिए, प्रियंका गांधी जी की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि वो भटकती नहीं है, लोगों के बातों में नहीं आती हैं, उस पर रिएक्ट कम से कम करती हैं। वो बिल्कुल, उन्हें पता है कि उनका ध्येय क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, और उनको बिल्कुल उनके दिमाग में उनकी क्लियर एक नीति है, किस तरीके से उनको प्लान है कि कैसे उन्हें काम करना है और अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना है। जैसे कि अभी आपने हाल में देखा होगा कि स्मृति ईरानी जी ने कुछ टिप्पणी करी और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती उनको कौन है, अब मैं अपने, आप मुझसे मेरे काम के विषय में पूछिए। नहीं, तो इसलिए वो इन चीजों में उलझना नहीं चाहती है और शायद यही एक तरीका है किसी भी चीज में आगे बढ़ने का। तो हमें यकीन है कि वो झांसी की रानी बेशक साबित होंगी। कैसे साबित होंगी? क्योंकि हमें इंतजार था इस तरह की ताजी हवा के झोंके का। ठीक बात है। जो कैसे सदब जी, जरा सवाल सुन लीजिए कि सिर्फ 6 MLA, 2 MP, 7.5% वोट और बिना संगठन के 30 साल तक बिना पावर में कैसे होगा, कैसे बने, कैसे इस 7.5% वोट को 42% वोट तक कैसे ले जा पाएंगी? देखिए, वोट शेयर की बात, इसलिए मैं उस पर ध्यान तक नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वही 2014 के हिसाब से अगर आप कह रहे हैं प्रदीप जी, तो 2014 में तो एक झूठ का ताश का महल बनाया गया था, से आप लोग उन्हीं के जुमलों की हवा उड़ा ले चुकी है। जी, तो इसलिए जनता जो है वो बिल्कुल क्लियर है। सदब जाफर जी, पिछले 29 साल से आप लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हैं, संगठन आपका चूर चूर हो चुका है। जी जी नहीं, ऐसा है कि सत्ता से बाहर है, लेकिन हम लोकसभा में वहां पे तो रहे ही हैं। हाँ। सेंटर में रहे हैं और संगठन जो है वो कभी कभी होता है कि बिखर जाता है और फिर एक स्ट्रांग नेतृत्व के अंडर आके फिर से बन जाता है। चलिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं है तो उसको कंप्लीटली आप नकार देंगे। संगठन है, लेकिन मोटिवेशन की जरूरत थी जो राहुल गांधी जी ने आके अध्यक्ष बनके और जनरल सेक्रेटरी बनके प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य जी आके जो है वो फिर से उस संगठन को वो मजबूती देंगे जिसकी हमें बिल्कुल कंप्लीटली हम आश्वस्त है जिसको लेके। ठीक है, जरा द्विवेदी जी के बात पे चलते हैं। द्विवेदी जी, ये जो प्रियंका वाड्रा गांधी है ये झांसी की रानी की तरह अपनी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ रही है, कैसे रोकेंगे इस आंधी तूफान को, कैसे सामना करेंगे? प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी
नाम के भरोसे राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी काम के भरोसे राजनीति करेगी, काम के हम अपने काम को लेकर जाएंगे जनता के बीच में। हम अपने अभी आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, मैं बोला नहीं हूँ, ठीक है ठीक है, बोलिए अपनी बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास को लेकर जाएगी, ठीक है, जनता के बीच में काम को लेकर जाएगी, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के नेतृत्व में देश के किसानों का भरोसा मोदी जी पर है, युवाओं का भरोसा मोदी जी पर है, मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में गुजरात में आप सैकड़ा पार नहीं कर पाए, सुन लीजिए, जिसमें शौचालय नहीं है ऐसा जी गांव नहीं है, जब राज्य नहीं दिया जा रहा है गरीबों को, गांव के स्कूलों में देख लीजिए शौचालय नहीं है। अभी कांग्रेस सरकारी कांग्रेस लगातार ये बताया, भाजपा वाले कहते थे कांग्रेस के सरकार बना के बांट दिए, योगी बोल रहे हैं आवाज दे दिए, सुबह कितने आवाज दे दिए, सिर्फ हवाई फायर बोल रही है, हवाई फायर का जान रही है, जनता को सब याद है, सपा की सरकार में बिजली के लिए लाठियां खानी पड़ती थी, अरे क्या बात कर रही है, समाजवादी पार्टी सरकार में क्या बात कर दी आपने, जनता को वो भी याद है कि हाथ में नोट लेके कैसे लोग यूरिया खाद के लिए कांग्रेस की सरकार के लिए पानी खोलना खोल दीजिए, ऊपर लाठियां लगवाई खोल दीजिए, ये जनता सब जान रही है, जनता ये जान रही है कि ये नामदार लोग हैं और कामदार कौन लोग हैं, जनता पहचान रही है, कामदार है देश के पैसे को क्यों भेज देता है, भरोसा रख रही है, चुनाव में जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी साइकिल के जो दो पहिए थे वो एक पहिया निकल चुका है, अरे इनको, अरे क्या बयानबाजी कर रहे हैं आप, परिवार के ही जनता देख रही है आपको, के ही लोग बयानबाजी को एक भी चुनाव मिला जा रहे हैं, लेकिन इस सवाल की प्रथा है नेता की है, आप पांच हजार इत्यासी पहुंचने वाला से हो रहे और आज भी हो रहे प्रत्याशी इनका हरने वाला नहीं है, क्या बात और कांग्रेस के जो दो प्रत्याशी आप ठीक है भाई द्विवेदी जी, ठीक है नीरज जी आप उनकी बात तो सुन लीजिए भाई, करने का कार्य करें जी, बात कर रहे हैं आप नीरज जी की बात तो सुन लीजिए, द्विवेदी जी को अपने समय पर बोलने दीजिए, नीरज जी गलत बात है, नीरज जी ये नहीं चलेगा, पहले द्विवेदी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आप जवाब दीजिए जी, आप जवाब दीजिए, सब कुछ हो गया जी, चैनल चालू हो गया जी, सब कुछ बोलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा नीरज जी, आप अपने समय पर जवाब दीजिए, लोग हैं इनके पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, विजय भाई नीरज जी आप सवाल जवाब दीजिए कि वो द्विवेदी जी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी साइकिल का एक पहिया निकल गया है, सुन लीजिए द्विवेदी जी, हम आपकी सवाल आपका सवाल पूछ रहे हैं नीरज जी से, हम आप ही का सवाल पूछ रहे हैं नीरज जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, नीरज जी सुन सवाल सुन लीजिए, आपका एक पहिया साइकिल का एक पहिया निकल गया है, सवाल सुन लीजिए नीरज जी, आपकी साइकिल का एक पहिया निकल गया है, दूसरी तरफ आंधी आ रही है, राजकुमारी के रूप में प्रियंका आ गई है, वो आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ रही है, कैसे बचेगी आपकी साइकिल जरा बता दीजिए, क्या सिर्फ हाथी के तारे साइकिल बचेगी आपकी, प्रदीप जी हम आपको बता रहे हैं जी, उत्तर प्रदेश में इनकी देखो प्रधानमंत्री जी जुमलेबाज, मुख्यमंत्री जुमलेबाज, इनके प्रवक्ता जुमलेबाज, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं टीवी चैनल पर, टीवी चैनल पर हमारी साइकिल का पहिया कहां लग गया, हमने हर चुनाव में हराया है, उत्तर प्रदेश में जनता हर चुनाव में हराया है, और हम जीत रहे हैं, अगर मोदी जी कितनी बड़ी लोकप्रियता होती नहीं हारते योगी नहीं हारते जी, मोदी जी की लोकप्रिय उत्तर प्रदेश में कहां बता दीजिए, ये कौन सा चुनाव जीते, चुनाव बता दीजिए, द्विवेदी जी ये खुद पंचर हो चुके जी, इनके प्रधानमंत्री जी की हवा निकल गई, प्रधानमंत्री जी की झूठ झूठ देश में देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं रख सकता, उत्तर प्रदेश की सरकार पद से हमको रखने लगी है, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जाएंगे जनता के बीच में, किस लाएंगे देश में विकास की गंगा बही है उसको लेकर जाएंगे, देश में बहुत विकास की गंगा बह चुकी है, आप सब लोग शांत हो जाइए, सुन लीजिए आप भी सदन भी आप भी सुनिए,
कदम जी, नीरज जी और द्विवेदी जी, आप तीनों लोग सुन लीजिए, आप तीनों लोग मेरी बात सुन लीजिए, समय मेरे पास कम है, समय ना खराब करिए प्लीज। आपको जनता देख रही है, राजनीतिक मंच नहीं है जो आप भाषण दे रहे हैं। द्विवेदी जी और नीरज शर्मा जी, आप दोनों सुन लीजिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है जो आप भाषण दे रहे हैं। आप यहाँ पर डिबेट करने के लिए आए हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आप उनके आदर्श है, आपकी पार्टी उनकी आदर्श है। कृपया अपनी और अपने अपने जो दल है उनकी छवि खराब मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। हम जरा प्रदीप जी के पास में चलते हैं। प्रदीप जी, आपने बहुत मौजूद बात कही, आपने कहा कि ये सारे दल बस उसी बात पर धर्म की राजनीति करेंगे, जाति की राजनीति करेंगे, इमोशनल कार्ड खेलेंगे, और जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं वो उसका कोई समाधान नहीं होगा। देश में 70 साल करीब हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हुई। पानी, लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है, लोगों 40 करोड़ लोगों को पूरा ढंग से भरपेट खाना नहीं मिलता है, लोग एनीमिया के शिकार हैं, उस पर बात नहीं होती है। क्या लगता है कि एक बार फिर से 2019 में देश की जनता इसी तरह चली जाएगी? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि देश की जनता को जो बेसिक मुद्दा है कि रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य और तमाम जो उससे जुड़ी हुई है, कि उसकी जिंदगी का स्तर कौन बेहतर ऊपर कर सकता है, उसको कौन सुरक्षा दे सकता है जी, इस तरह के माहौल में ही लोगों को सोचना चाहिए और वोट देना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको धर्म के नाम पर बांट देती है, जात के नाम पर बांट देती है, और जो बेसिक इश्यूज है उससे भटक के जनता जो है वोट दे देती है। तो उसके बाद जब रिजल्ट आता है, उसके बाद जब सरकार बनती है, तो उसी हिसाब से काम होने लगता है। तो होना यह चाहिए कि जनता जो है वो इन इस तरह के इश्यूज को न लेकर अपने जो उसके हित में है वो इश्यूज पे अगर आगे चले, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि इस तरह के इश्यूज को अलग हटके जो जनता के हित के इश्यूज है, कि जिसमें धर्म और जात की राजनीति को छोड़ के जो बेसिक इश्यूज है उनको आगे करें, तो देश का भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। प्रदीप जी, एक सवाल यह है कि सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि सारे राजनीतिक दल वही हथकंडे अपनाते हैं, जात की, वर्ग की और धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम जनता की राजनीति कर रहे हैं, जनता के साथ हमारी पैठ है और जनता के साथ हमारा गठबंधन है। सवाल यह कि आखिर जनता बिचारी करे तो करे क्या, क्योंकि सारे दल एक ही हमाम में है, सब लोग एक ही तरह के हैं। देखिए, फिर जनता के बारे जनता फिर वो लेसर इविल देखती है कि भाई जो हमसे ज्यादा नजदीक है फिर उसको चुनती है। अब जनता को तो ये भी चाहिए कि जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनको भी ना टिकट, ना पॉलिटिकल पार्टीज उनको टिकट दे और ना जनता उनको चुने। लेकिन आपने देखा होगा कि दाग अच्छे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देती भी है और जनता चुनती भी है। प्रदीप जी, दाग अच्छे हैं ना, सारी पार्टियों को विनेबल कैंडिडेट चाहिए, इसलिए वो दागियों को कहा जाता है दाग है तो अच्छे है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, दाग अच्छे है ना, क्योंकि वो जिता करके लाते हैं और आसपास के माहौल को भी सही करते हैं। आप सभी का शुक्रिया, लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी राजनीति की झांसी की रानी बनेंगी? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से उनसे चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, क्या वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगी? क्या योगी को वो चैलेंज करेंगी या मोदी को चैलेंज करेंगी? बनारस से भी मांग आ रही है कि बनारस में भी चुनाव लड़े वो, तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस को वो 7.5% वोट से उठा करके 42% वोट जिता पाएंगी? क्या वाकई झांसी की रानी बनेंगी, आधी तूफान की तरह आएंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके आने से उत्तर प्रदेश की लड़ाई काफी दिलचस्प हो चली है। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।